हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मैश डायरीज। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं शाहजहाँपुर में बने बहुत ही खूबसूरत खाटू श्याम मंदिर। दोस्तों, इस खाटू श्याम मंदिर की लोकेशन शाहजहाँपुर में बरेली मोड़ के पास बनी साउथ सिटी कॉलोनी में बना ये खूबसूरत खाटू श्याम का मंदिर। दोस्तों, ये शाहजहाँपुर का काफ़ी फेमस और पुराना मंदिर है, जिसको अभी हाल ही में रेनोवेट किया गया है और रेनोवेट होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत और शाहजहाँपुर की सुंदरता का केंद्र बन चुका है। जितना सुंदर खाटू श्याम जी का श्रृंगार होता है, उतना ही खूबसूरत इस मंदिर को भी बनाया गया है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं इस मंदिर के अंदर, इसकी सुंदरता और खाटू श्याम जी के दर्शन भी कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और प्रेम से बोलिए राधे राधे। फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर आगे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा और साथ ही भगवान की मूर्ति, फ्रेम या फिर माला या फिर भगवान के श्रृंगार का सामान, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है और हम आपको दिखाते हैं कि दुकानों पे और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं खाटू श्याम जी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे खाटू श्याम जी के फ़ोटो फ्रेम है, माला है, प्रसाद है और गुलाब के फूल हैं, इत्र है, उनके श्रृंगार का सामान है। दोस्तों, खाटू श्याम जी को इत्र और गुलाब के फूल बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए सब या सारे जितने भी भक्त होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इत्र और गुलाब जरूर लेके जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को अपने श्रृंगार में एक ही चीज़ सबसे प्रिय लगती थी और वो है ये मोर पंख। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि कृष्ण भगवान का मोर पंख के बिना श्रृंगार अधूरा है। यहाँ पे मोर पंख भी हैं, आप चाहे तो मोर पंख लेके भी खाटू श्याम जी के मंदिर में जा सकते हैं और उनके श्रृंगार के लिए आप ये अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, ये खाटू श्याम मंदिर का प्रमुख द्वार है, जिसमें ये खूबसूरत आकृतियाँ दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये पहरेदार बनाए गए हैं दोनों तरफ और ऊपर शेर की आकृति दी गई है। ये सब आकृतियाँ पत्थरों पर ही बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरती से इनको सजाया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना खूबसूरत पत्थरों पर ही आकृति बनाई गई है। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। राधे राधे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और सामने आप देख सकते हैं कक्ष बना हुआ है जहां भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मंदिर का इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बहुत बड़ा हॉल दिया गया है ताकि भजन कीर्तन का प्रबंध किया जा सके। साथ ही दीवारों पर और ऊपर छत पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। दोस्तों, यहाँ रोज़ भजन कीर्तन का प्रबंध किया जाता है। आसपास की कॉलोनी के लोग या दूर दूर से भी लोग यहाँ भजन कीर्तन करने आते हैं और बाबा के दर्शन का आनंद उठाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण
पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद मन प्रसन्न हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप भी इस मंदिर एक बार जरूर आएं। मन में श्रद्धा हो अगर तो मना वो ना करें। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर के बगल में एक और मंदिर है जहाँ शिवलिंग और स्वयं महाबली बजरंगबली विराजमान है। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस मंदिर। आप देख सकते हैं उस वीडियो में वहाँ नीचे एक और मंदिर बना हुआ है जहाँ शिवलिंग स्थापित है और बजरंगबली। ये है इस मंदिर का प्रवेश द्वार। अब हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। हर हर बोलो शंभु बोलो, तुझको चढ़ाओ कलेवा। तेरे चरण में कर दूं अर्पण, भोले मैं अपनी सेवा। तुझको सब जग जाने सब जग माने, देवों का देवा तू महादेवा। मेरा शेर